Yes, we are live now. Hello friends, this is मैं and welcome to Let's Learn. तो so, होपफुली अभी आप देख पा रहेंगे कुछ टेक्निकल ग्लिश था तो नहीं सेशन स्टार्ट हो पा रहा था सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सतशाल वट एव यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे बात करेंगे सीटर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो उम्मीद है कि जून ट्वेंटियत तक नोटिफिकेशन आ जाए नहीं भी आएगा अगर हमें नहीं पता ये न्यूज़ कितनी सच्ची है उस केस में भी क्या है कि जून जुलाई तक हमें अपडेट तो आना है अगर दिसंबर में पेपर होना है तो तो हम कह सकते हैं कि हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर वन की करें चाहे पेपर टू की करें घर बैठ के आप सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी कर सकते हैं इसी टाइम से आप कैसे शुरू कर सकते हैं कि आप बिल्कुल इंश्योर कर लें कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो क्वालिफाइड हो जाए बल्कि बेहतर नंबर से हो जाए तो इस चीज़ को लेकर बहुत दिन से आप लोगों की क्वेरीज भी बहुत सारी आ रही थी हम पूरी चर्चा करेंगे और अगर अभी इस महीने या अगले महीने अगर नोटिफिकेशन आता है जून या जुलाई के बीच में तो मुझे लगता है नाइन्टी परसेंट चांसेस तो यही है कि सिलेबस वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इतनी जल्दी परिवर्तन संभव नहीं है बाकी दस परसेंट फिर भी छोड़ देते हैं तो उस केस में तैयारी जो है एग्जाम के जैसा पैटर्न रहा है उसको समझते हुए देखते हैं तैयारी कैसे करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं अपियरिंग कैंडिडेट सीटेट दे सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं अगर आप सेकेंड ईयर में हैं अपने कोई दिक्कत नहीं है अब में आप सीटर दे सकते हैं और वो वैलिड भी होता है ठीक तो स्टार्ट करेंगे समझेंगे कौन सी आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ पी होंगी कुछ प्लेलिस्ट हैं लेट्स लर्न पे वो कैसे आप यूज कर पाएंगे जितने भी पी डी एफ वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल है अपना लेट्स लर्न स्क्वाइड सारी पी डी एफ्स वगैरह सब फ्री ही होती हैं तो वो जाकर के आप वहाँ से ले लीजिएगा जो भी मैं इस सेशन में रिकमेंड करूँ आपको अगर हम बात करें इसकी सीटेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन की ठीक ये मिस टाइपिंग है ट्वेंटी ट्वेंटी वन की क्योंकि दो हजार इक्कीस में ही होना है अब तो सी टेट तो एक बार ये देखो ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना हाँ चलिए तो अगर हम बात करें एक मिनट को स्ट्रैटेजी पे एग्जाम की क्या स्टडी प्लान हम बना करके चलें और बुक्स कौन सी रख सकते हैं या सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें यूट्यूब से पढ़ें या क्या करें ठीक तो अगर हम बात करें सीटेट 2021 की तो हमें पता है मोस्ट बली यही एक पैटर्न रहेगा कि 150 नंबर का पेपर होगा 150 क्वेश्चन आएंगे यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा चाहे आप पेपर वन दें चाहे आप पेपर टू दें ढाई घंटे का पेपर होता है यानी 150 ही मिनट आपके पास है एक मिनट एक क्वेश्चन ठीक जिसमें आपको ओ एम आर फिल करनी होती है ऑफलाइन पेपर होता है आप जाकर के सेंटर्स पे पेपर देते हैं क्लियर है ये बात नेगेटिव मार्किंग कोई इस एग्जाम में होती नहीं है और क्वालिफाइंग एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग होने का कोई पॉइंट भी नहीं है ठीक फिर है 90 मार्क्स

अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 55 परसेंट मार्क्स आपके आने चाहिए डेढ़ सौ का ५५ परसेंट एटी टू पॉइंट समथिंग बनेगा तो उस केस में आपका अदर ओबीसी एस सी एस टी कैटेगरी से अगर आप हैं तो ५५ परसेंट यानी एटी टू पॉइंट फाइव समथिंग आपके मार्क्स हैं तब चलेगा जनरल कैटेगरी में नाइनटी मार्क्स आगे बढ़ेंगे इतनी बात हमारी क्लियर हो गई तीन चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है इस एग्जाम की तैयारी करते हुए चाहे कुछ भी चेंज हो जाए चाहे कोई भी चेंज ना हो तब भी ये चीजें एज इट इज रहेंगी जो सिलेबस है क्योंकि सीबीएसई सिलेबस एकदम क्लियर कट देता है मैं शेयर भी कर दूंगी जो पिछले साल का सिलेबस है वही सिलेबस काफी सालों से चला आ रहा है तो अगर हम बात करें तो सिलेबस बिल्कुल फिक्सड रहता है अभी भी अगर पैटर्न भी चेंज होगा कभी भी अगर तब भी सिलेबस एकदम क्लियर कट सीबीएसई देता है आपके सभी सब्जेक्ट्स का ठीक है बात इस बात को अगर हम समझें तो सिलेबस हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है पेपर वन दें चाहे आप चाहे आप पेपर टू दें सिलेबस एकदम क्लियर कट है ठीक तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है आंख बंद करके ग्रामर पढ़ना शुरू नहीं कर देना क्योंकि आती नहीं है, है ना क्योंकि दो नंबर के लिए तीन नंबर के लिए पूरी ग्रामर तो आप नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको फिर है क्या नहीं करना है उस पर भी बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चाहे कुछ भी चेंज हो जाए ये चेंज नहीं होगा और ये आधार है एक तरीके से अगर आपने 2011 से 2021 तक जो पिछले 10 सालों के है ना 10 साल अभी हुए हैं इस बार ही अगर हम बात करें सी को तो कई लोग तो पहले से ही दस साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देते थे जब दस साल हुए भी नहीं थे इसको तो 2011 से 2021 तक के अगर आपने प्रीवियस ईयर और 2011 भी छोड़ दो अगर 2013-14 के बाद से भी या 15 से भी अगर आपने 21 तक पेपर सॉल्व किए हुए हैं तो वो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता अगर आपको वो पेपर सॉल्व करते समय समझ आ गए और आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए वो वाले सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अगर आपने अच्छे से किया और लिख के ले सकते हो आप इस बात को कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम अगर आपने ढंग से सिर्फ प्रीवियस ईयर को कर लिया और हमारे साथ दिक्कत क्या हमें लगता है प्रीवियस ईयर तो आ चुके अब तो ये आएंगे नहीं तो इनका क्या पॉइंट है जबकि में इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो रिपीट नहीं होते वो घुमा करके पूछ लिए जाते हैं सेम टॉपिक से क्योंकि सिलेबस है अगर 15-20 टॉपिक हैं सीडीपी में बाल विकास में 30 नंबर के तो वो उतने ही हैं वो फिक्स्ड हैं हर साल वहां से क्वेश्चन आना है प्याजे वायकोस की कोलबॉक्स से अगर पांच छह क्वेश्चन मिला करके आने तो वो आने हैं ठीक इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की अब बुक्स यहाँ पे कम महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है सिलेबस सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए चाहे तो आप खरीद लीजिए कोई भी बुक ले लीजिए जैसे मैं आर गुप्ता बताती हूं बट उसमें 2020 तक का ही है तो किरण पब्लिकेशन का 2021 तक है उसमें वो ले सकते हो हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है अभी सिर्फ या फिर अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी लेने तो सीटेट की वेबसाइट से जाकर के आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हो विद ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल आंसर की पर पूरा भरोसा करना है और एटलीस्ट इतने सीटेट की वेबसाइट से जो प्रीवियस ईयर है मैंने अपलोड भी किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे फिर से मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ शेयर कर दूंगी वो अपने पास रखिए मैं उनको कल तक शेयर कर दूंगी जो प्रीवियस ईयर है सीटेट की वेबसाइट पर बुक्स की अगर हम बात करें आप दो चीजें कर सकते हैं या तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लें नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा क्लियर रीजन कैसे होगा यहां लेट्स लर्न पे प्ले बनी हुई है ठीक है बिल्कुल ये YouTube पे बनी हुई है जो एकदम फ्री है सभी के लिए देखना जिसमें मैंने कुछ मैराथन सेशन लिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले वो मैराथन सेशन देख लीजिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का एक मैराथन सेशन देख लिया पूरे नोट्स बना लिए या पीडीएफ भी उसका मैंने शेयर किया हुआ होगा फिर क्वेश्चन ट्राई किए फिर दूसरे सब्जेक्ट का देखा फिर तीसरे सब्जेक्ट का देखा हिंदी इंग्लिश मैथ्स सबका देख लो एक एक करके नहीं तो अलग अलग सब्जेक्ट की बिल्कुल चैप्टर वाइज प्ले भी है स्पेशली सीडीपी की उनको देख लो और नोट्स बना लो कोई जरूरत नहीं कोई किताब लेने की सिर्फ एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए और सिलेबस आपको आइडिया हो आगे बढ़ेंगे समझेंगे फिर भी अगर किताबें लेनी है तो मैं बता दूंगी सजेस्ट कर दूंगी दो चार स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें एक पेपर है पेपर वन जो होता है प्राइमरी के लिए कक्षा एक से पांच तक के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है बेसिकली टीचर बनना है तो आप क्या करेंगे पेपर वन देंगे फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ टीचर्स ठीक और सिक्स टू एट्थ के लिए अभी वो तो आया नहीं है पीजीटी वाला आगे शायद तीसरा लेवल भी आ जाए इसमें तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आपके पास पेपर वन की तैयारी और अगर आपको दोनों दे आप दोनों भी दे सकते हो दोनों में से किसी एक में फेल हो जाते हो तब भी दूसरा पेपर वैलिड रहता है अभी लाइफ टाइम हो ही गई है वैलिडिटी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने एक बार अच्छे से पास कर लिया कोई टेंशन नहीं पेपर वन में भी पांच सब्जेक्ट हैं ये भी डेढ़ नंबर का ही पेपर है ठीक और ये भी वन मार्क्स का ही है ठीक है बात अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग दोनों में से किसी में नहीं है ढाई घंटे का ही पेपर है डेढ़ सौ ही मिनट है पूरा भरपूर टाइम है आपके पास ऑफलाइन है पेपर अभी भी पांच सब्जेक्ट है आपके पेपर वन में ध्यान से समझिएगा और चार सब्जेक्ट है आपके पेपर टू में जिनमें से आउट ऑफ फाइव तीन सब्जेक्ट यहां भी बिल्कुल सेम है डिट्टो सेम सेम लेवल है लेवल में भी कोई खास अंतर नहीं है और तीन सब्जेक्ट यहां भी सेम है सिर्फ एक सब्जेक्ट अलग है आपका पेपर टू के लिए यदि आप साइंस एंड मैथ्स के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए साइंस एंड मैथ्स आएगा और अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उस केस में एस आ जाएगा साठ नंबर का पेपर टू के लिए बाकी इसमें दोनों ही पेपर में तीन सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है तीन सब्जेक्ट का मतलब है नब्बे नंबर बिल्कुल कॉमन 90 मार्क्स बिल्कुल सेम है तो ऐसा नहीं है आपको दोनों पेपर की अलग अलग तैयारी करनी है आपको सिर्फ ढंग से तैयारी शुरू करनी है और वो जो तीन सब्जेक्ट हैं जो तीनों कॉमन है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी इंग्लिश हिंदी ये दोनों जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल कॉमन है और लेवल में ज्यादा अंतर नहीं रहता क्योंकि दोनों पेपर का सिलेबस सेम है इन तीनों सब्जेक्ट का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे सीडीपी बाल विकास का सेम सिलेबस मिलेगा इंग्लिश हिंदी का सेम सिलेबस मिलेगा पेपर वन के लिए भी पेपर टू के लिए भी और जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे ना पेपर वन के भी कीजिए और पेपर टू के भी कीजिए तीनों सब्जेक्ट के आपको कोई और प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर वन पेपर टू दोनों के कर लीजिए क्योंकि सिलेबस सेम है इससे अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कोई दे नहीं सकता बना के कोई टीचर मेड क्वेश्चन पेपर इतना बढ़िया नहीं बना सकता जो स्टैंडर्ड सीबीएसई बना के देता है क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर आप दोनों के प्रैक्टिस कीजिए चाहे आप पेपर वन देने जा रहे हैं चाहे आप पेपर टू देने जा रहे हैं तीन सब्जेक्ट जो कॉमन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगलॉजी हिंदी और इंग्लिश इन तीनों के प्रीवियस ईयर दोनों लेवल के करिए सिलेबस के साथ साथ ये नाइनटी मार्क्स अगर आपके मजबूत हैं बाकी जगह आप थोड़े कम कम भी लेंगे तब भी पास हो जाएंगे या अच्छे भी नंबर आएंगे वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है पेपर वन की अगर हम बात करें पांच सब्जेक्ट की बात करें अभी हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं आप कैसे स्टडी प्लान बनाएंगे फर्स्ट ईयर वाले भी कर दो क्या दिक्कत है देखो पेपर वन की अगर हम बात करें तो ये है कुछ पांच सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र तीस नंबर का आता है क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा ठीक मैथमेटिक्स सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठा के देखो जिन्होंने पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं जो लोग मैथमेटिक्स अब ये मैथमेटिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है ये गलती हम बहुत ज्यादा करते हैं पंद्रह नंबर का इसमें मैथ्स आएगा जो फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल की अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बुक उठा लेंगे क्योंकि इसमें एनसीआरटी बहुत हल्की सी है और प्लस प्रीवियस ईयर तो वो कंटेंट है पंद्रह नंबर का या सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी कर लोगे तो भी हो जाएंगे बेसिक कैलकुलेशन और बाकी के पंद्रह नंबर में क्या है पेडोगॉजी है मैथ्स की वो पेडोगॉलॉजी हम यहां भी लेट्स लर्न पे भी डिस्कस करते हैं बेसिकली पेडोगलॉजी का मतलब है आप पढ़ाएंगे कैसे उस सब्जेक्ट को मैथ्स को आप पढ़ाएंगे कैसे तो हर सब्जेक्ट में पंद्रह पंद्रह नंबर की पेडोगॉजी है जैसे ईवीएस है पंद्रह से बीस नंबर कॉन्टेंट और पंद्रह नंबर आपका पेडोगलॉजी ईवीएस के लिए टोटल एनसीआरटी पढ़िए थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक की एनसीआर मैंने समरी भी बनाई हुई है एक एक चैप्टर की यहीं लेट्स लर्न पे वो देख लीजिए अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो नंबर पूरे आ जाएंगे साथ में अगर हम बात करें जितने सेक्शन वो एनसीईआरटी का है वहां से पूरे आएंगे इसका मतलब ये नहीं है लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के पूरे तीस आ जाएंगे ठीक बाकी पंद्रह नंबर की पेडोगॉजी भी एनसीईआरटी से ही इंस्पायर्ड होती है तो वो भी मैंने डिस्कस की हुई है यही चैनल पर प्लेलिस्ट देखिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर लैंग्वेज वन की अगर मैं बात करूं तो ये कंपलसरी होती है जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं मान लीजिए लैंग्वेज वन हिंदी है वैसे हिंदी ही लीजिएगा अगर आपको हिंदी बोलनी आती है या पढ़नी आती है कई लोग इंग्लिश ले लेते हैं लैंग्वेज वन कंपैरेटिवली मुश्किल आती है लैंग्वेज टू से उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लिटरेचर संबंधी क्वेश्चन भी पूछ लेगा कई बार थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी पूछेगा तो मुश्किल पूछेगा लैंग्वेज वन का अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी आपके लिए आसान रहती है आपको पता भी नहीं लगता अंतर दोनों के बीच में ठीक तो जनरल रिकमेंडेशन मेरी यही रहती है अभी खैर फॉर्म आएंगे तब बात करेंगे इस बारे में तो लैंग्वेज टू की यदि हम बात करें तो मान लीजिए आपने इंग्लिश ले ली दोनों लैंग्वेज आप सेम नहीं ले सकते वैसे बाईस भाषाएं या इक्कीस लैंग्वेज का ऑप्शन है आप बंगाली भी ले सकते हैं आप संस्कृत भी ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है लेकिन दोनों लैंग्वेज अलग अलग लेनी है हमें स्टैंडर्ड हम हिंदी इंग्लिश मान के चल रहे हैं इनका सिलेबस है पंद्रह नंबर की इसमें आती है पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश में स्पेशली और पंद्रह नंबर की इसमें आती है आपकी आ, क्या बोलते हैं पैसेज ग्रामर रटते हैं लोग इसके लिए जिसका कोई औचित्य नहीं है पेडागोजी है आप पढ़ाएंगे कैसे हिंदी को कुछ पांच सात टॉपिक हैं सिर्फ सिलेबस में मैंने यहां लेट्स लर्न पे चैप्टर वाइज कराए हुए हैं इंग्लिश में भी मैंने चैप्टर वाइज कराया हुआ है पेडागोजी सेक्शन बाकी के जो पंद्रह नंबर है ना पैसेज के यानी गद्यांश पद्यांश के सात नंबर का एक आठ नंबर का एक उसके लिए आपको करनी है प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस और कुछ नहीं करना गद्यांश के लिए आपको समझ में आ जाएगा उसी तरह के गद्यांश और पद्यांश आते हैं क्लियर है बात इतनी बात क्लियर हो गई अब पेपर टू की अगर हम बात करें अभी लास्ट में मैं समराइज कर दूंगी अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो लाइक शेयर कर देना स्पेशली जो लोग तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऐसे लॉकडाउन के टाइम में कोरोना के टाइम में वो उन तक ये बात पहुंचे ठीक न का बड़ा योगदान रहा है सीटेट के एक पॉजिटिव रिजल्ट में ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है तो ये सीटेट की जो तैयारी है वो बहुत मतलब दिल से कराई जाती है ये कह सकते हैं देखिए अगर हम बात करें पेपर टू की पेपर टू की यदि हम बात करें तो यहां आते हैं चार सब्जेक्ट अगेन तीन सब्जेक्ट कॉमन है अगर आपने सीडीपी की तैयारी और हिंदी इंग्लिश की तैयारी पहले ही कर ली तो यहां सेम है कोई दिक्कत नहीं नब्बे नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी आपको एक सब्जेक्ट अलग तैयार करना होगा यदि आप ह्यूमैनिटीज से हैं यानी आर्ट्स स्ट्रीम बोल देते थे पहले या फिर आप अगर कॉमर्स से हैं तो जनरली आप लेते हैं एस और दूसरे केस में अगर आप बी एस सी वगैरह करके आए हैं तो आप साइंस एंड मैथ्स ले लेते हैं ये आपका सब्जेक्ट साठ नंबर का आता है इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ करके दी हुई है साठ नंबर का आता है ठीक अगर हम बात करें तो ये सिक्सटी मार्क्स टोटल आपके एनसीआरटी बेस्ड हैं टोटल एनसीआरटी बेस्ड हैं सिक्सटी मार्क्स आपके अगर आप एस एस टी की एनसीआर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए सिक्स सेवंथ एट्थ की पेपर वन वाले पढ़ेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ की एनसीआर और पेपर टू वाले पढ़ेंगे सिक्स टू एट्थ की एनसीआर क्योंकि आपको उसी लेवल का टीचर बनने जाना है ठीक है बात तो ये अगर आपका एस एस टी सब्जेक्ट है तो आप एस एस टी की जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी और जोग्राफी ये सारी ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है मैं लिंक भी दे दूंगी वेबसाइट का जहां एनसीआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है माय पाठशाला और समथिंग लाइक दैट है जिस पे सारी एनसीआर किताबें अवेलेबल है अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं है ना तो या फिर समरी देख सकते हैं यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे समरी डिस्कस कराते हैं क्योंकि यूपीएससी वगैरह में पूछी जाती है एसएसटी की समरी तो वो भी आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज इसके अलावा प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़िए उससे आपको पता लगेगा एनसीआरटी से क्वेश्चन बना कैसे है साइंस और मैथ्स के लिए भी सेम है सिक्स टू एथ की एनसीआरटी आगे बढ़ेंगे समझेंगे एक बार आप सीटेट को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें नहीं करना क्या करें तो हम कह सकते हैं कि एनसीएफ मैंने यहां डिस्कस भी किया हुआ है इसको 100 पेज 110 पेज पढ़ने की बजाय कुछ पेपर्स आते हैं जो अभी लास्ट टाइम जो टॉपर रहे हैं जिनके एक नंबर थे उन्होंने लेट्स से समझा और उनका अपना बहुत एफर्ट था उसमें तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी पढ़े एनसीआरटी के द्वारा जो गिवन है वो मैंने शेयर भी किए हुए हैं टेलीग्राम पे फिर से कर दूंगी वो पढ़िए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तो आपका मैथ्स का पेडागोजी हुआ अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी वहां से तैयार होगी तो एनसीएफ को अच्छे से कर लीजिए जो मेन मेन मुद्दे हैं इसके यहाँ चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस ईयर सारे पढ़ लीजिए इसके एनसीएफ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट में क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो पांच के पांच सब्जेक्ट में आएगा एक नंबर दो नंबर सब जगह पे आएगा ठीक है बात दूसरी चीज है ग्रामर ग्रामर आपको नहीं करनी आपके पास बहुत समय है आपका इंटरेस्ट है तो कर लीजिए नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे ना जब वहीं पे क्योंकि ग्रामर का क्या उद्देश्य है देखो अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता लगेगा इंग्लिश हो चाहे हिंदी पंद्रह नंबर की है पेडागोजी, जिसमें पांच से सात टॉपिक हैं, आठ टॉपिक हैं मुश्किल से पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र आप पढ़ाएंगे कैसे हिंदी को या इंग्लिश को वो पंद्रह नंबर आपके यही लेट्स लर्न से कवर हो जाएंगे अगर आप देखते हो साथ में प्रीवियस ईयर कर लो कुछ भी नए टॉपिक मिले तो प्रीवियस ईयर में जैसे ही दिखे कुछ नया है उसको सर्च कीजिए या यूट्यूब पे देखिए या कहीं से भी पता कीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए जरूरत नहीं है कि आप किताब अलग से खरीदेंगे ठीक फिर है क्या पंद्रह नंबर का आपका पैसेज फिफ्टीन मार्क्स का पैसेज जिसको गद्यांश या पद्यांश कह देते हैं हम ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है अब ये जो दो पैसेज आते हैं ना इनमें मान लो दो नंबर का कोई ग्रामर का क्वेश्चन आ गया किस सिनोनिम बता दो या कुछ और पूछ लिया दो नंबर का यहां आ गया मैक्सिमम चार नंबर की हद से हद ग्रामर आती है और ये भी पैसेज से रिलेटेड अगर आपने पिछले बारह साल पंद्रह साल पढ़ाई की है तो वो आप सॉल्व कर पाते हैं तो अलग से ग्रामर की तैयारी बाद में कीजिए अगर समय बच जाए तो या छोड़ दीजिए मेन मुद्दा होना चाहिए आपका पेडोगोलॉजी और पैसेज पैसेज में लोग नंबर खूब कटवाते हैं क्यों क्योंकि सात नंबर का एक पैसेज है आठ नंबर का एक पैसेज है टाइम लगता है पैसेज पढ़ने में और कई बार सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं तो ये जरूरी है कि हम क्या करें बहुत बढ़िया पूजा गुप्ता कह रही है मेरे थर्टी आउट ऑफ थर्टी आए आपकी वजह से बहुत खुशी की बात है देखिए एक बार तो फिफ्टी फिफ्टीन की पैसेज और पैडोगॉजी पैसेज पे अच्छे से फोकस कीजिए शुरू से ही लास्ट में पैसेज की तैयारी नहीं होती पैडोगॉजी ये तो जल्दी कवर हो जाती है और इसमें नंबर आ भी जाएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश में पंद्रह पंद्रह नंबर की ठीक वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर जिसकी हद नहीं है तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे क्या दो तीन बातें हमने अभी डिस्कस की